सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो हमारे पास है ये फ़ोन जो कि जियो फ़ोन है जिसका मॉडल हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका मॉडल F61F मॉडल है और करेंगे फ़ोन को हम स्टार्ट। तो फ़ोन में हमारे ये है प्रॉब्लम कि फ़ोन बूट नहीं हो रहा है, देख सकते हो यहाँ लोगों पर ही अटका रहेगा फ़ोन, जियो के लोगों पर अटका रहेगा, ऐसे ही बंद चालू होता रहेगा, ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है इसमें। तो थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी प्रॉब्लम दिख सके और फिर इसकी करते हैं इसकी प्रॉब्लम को दूर हम। तो देख सकते हो ये फ़ोन चालू हुआ, फिर उसके बाद फिर माई जियो ऐप जियो वाले लोगों पर ही आ गया। तो देख सकते हो ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसका प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम। जो हमारे चैनल पर नए यूज़र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस ताकि जो भी ऐसी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप भी उसे देख सको और सीख सको ऐसे प्रॉब्लम को दूर करना। तो चलेंगे अब अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में करते हैं इसकी प्रॉब्लम को दूर। हम मोबाइल की बैटरी को निकाल के दोबारा से लगा देते हैं। अब चलते हैं अपने लैपटॉप में करते हैं इसकी फ्लैशिंग और देखेंगे हमारा जो लोगों का प्रॉब्लम था दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो देख सकते हो ये हमारी फाइल है, करते हैं हम इसको एक्सट्रैक्ट हेयर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रिप्लेस करने को कह रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर चुका रहा जो जिसका फोल्डर ये बना हुआ है। तो इसको करेंगे कैंसल, क्लोज करते हैं और फर्मवेयर पे चलेंगे हम। तो फर्मवेयर में हमको देख सकते हो डॉट पैक फाइल मिलती है जो कि होती है एसपीडी टूल में फ्लैश। ये एसपीडी टूल दिया हुआ है लेकिन टूल नहीं है, बस इसका एक नाम दिया हुआ है। ड्राइवर्स पे हमको ड्राइवर्स नहीं मिलते हैं, आईएमआई राइट टूल में आईएमआई राइट टूल भी नहीं मिलता। तो चलिए इसको कट करेंगे और टूल ओपन कर लेते हैं हम एसपीडी टूल। तो चलिए एसपीडी टूल का चलिए हम 40000 वाला वर्ज़न ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे रिसर्च डाउनलोड पे और यहाँ पे देख सकते हो टूल हमारा ओपन हो चुका है। फाइल को यहाँ से लोड करेंगे और डेस्कटॉप पे जाते हैं और अब लाइफ के अंदर फर्मवेयर पे और पैक फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। जहाँ आपने एक्सट्रैक्ट की हो बस आपको इस फाइल को लोड कर लेना है इसके अंदर। तो देख सकते हो फाइल हमारी हो चुकी है लोड। तो चलेंगे अब अपने मोबाइल की तरफ और फोन को करेंगे इसमें कनेक्ट हम। तो देख सकते हो ये हमारा फ़ोन है, चलिए इसकी बैटरी को एक बार निकाल देते हैं फिर से और कनेक्ट करेंगे बूट की जो इसका देख सकते हो जियो लिखा हुआ है, ये बैक जिसको हम कहते हैं, तो ये जियो लिखा हुआ है, इसको दबा के रखेंगे और फिर डाटा केबल को लगा देना। तो चलिए उससे पहले करते हैं डाउनलोड पर क्लिक। हम डाउनलोड पर क्लिक हो गया है, अब जियो वाली बटन को दबा के रखना है और अब डाटा केबल को लगा देना है। और सिस्टम में दिखा दूं तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो
फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, डिटेक्ट हो चुका है सिस्टम पे फ़ोन हमारा। चलेंगे अपने मोबाइल की तरफ, यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है कनेक्ट है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे अब यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है हमारी फ्लैशिंग बस डन होने ही वाली है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे बस हम। देख सकते हो पास का साइन आ चुका है यहाँ पे, देख सकते हो। तो चलेंगे अब अपने मोबाइल की तरफ। तो ये हमारा फ़ोन है, करते हैं केबल को डिसकनेक्ट, हम बैटरी को निकालेंगे और दोबारा से लगाएंगे इस पे, और फ़ोन को करते हैं अब हम बूट। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है चालू हो चुका है, अब थोड़ा सा वेट करेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हो, तो चलेंगे अब अपने मोबाइल की तरफ। तो ये हमारा फ़ोन है, करते हैं केबल को डिसकनेक्ट, हम बैटरी को निकालेंगे और दोबारा से लगाएंगे इस पे, और फ़ोन को करते हैं अब हम बूट। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है चालू हो चुका है, अब थोड़ा सा वेट करेंगे हम। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो हो चुका है फ़ोन स्टार्ट, तो चलिए इसका सेटअप करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, फ़ोन हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है, और जो लोगों का प्रॉब्लम था वो भी दूर हो चुका है। और दोस्तों देख सकते हो फ़ोन हमारा बूट भी हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो आप, मैं रिप्लाई दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ।